नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू आप सबको हमारा जो यूट्यूब चैनल है माई क्लास उसमें स्वागत है। तो चलिए आज हम नया विषय देख लेते हैं। आज का जो विषय है एमएस वर्ड के अंतर्गत हम बुलेट और नंबरिंग ये क्या है, ये लिस्ट कैसे बनाते हैं उसके विषय में जानते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये रहा अपना एमएस वर्ड का विंडो आ गया। इसमें हम क्या करेंगे, पहले होम टैब के अंडर में जो पैराग्राफ ग्रुप है इसमें जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये बुलेट, तो बुलेट बोला जाता है। देखिए यहाँ पे लाने से दिखा भी रहा है बुलेट, है ना। तो डाउन एरो पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारा टाइप का बुलेट है, कोई भी एक बुलेट रख लीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए, इसको बुलेट्स बोला जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, देखो मैं एंटर दे रहा हूँ। सपोज मैंने अभी ये नाम दिया और एंटर देते ही ऑटोमेटिकली बुलेट्स आ गए। ठीक है, अभी उसके बाद मैं एंटर दूंगा तो ये बुलेट आ गया, लेकिन सपोज मुझे और बुलेट्स नहीं देना है तो क्या करूं, इसको हटाऊं। एक बार एंटर दिया, बुलेट्स आ गया, बिना टेक्स्ट दिए फिर और एक बार आप एंटर प्रेस करो, आपको समझ में आया ना। मतलब ये जो समीर है ना, समीर, ये समीर देने के बाद मैंने एंटर किया तो ये बुलेट ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है ना, तो ये बुलेट ऑटोमेटिकली आ गया। ओके, अभी यदि मैं टेक्स्ट नहीं देके और एक बार एंटर करूं तो ये गायब हो जाएगा। मतलब सीधा बात है, आप एक बार एंटर करो नीचे आ गया और एक बार एंटर करो गायब। ठीक है, तो ऐसे है, तो यहाँ पे मतलब बुलेट मेरा खत्म। तो ऐसे अभी आपको ये बुलेट अच्छा ना लगे तो आप सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे क्या करो, आप चेंज भी कर सकते हो, आप टिक मार्क ले लो। ये हो गया बुलेट्स का काम। ओके, इसके ऐसे हम लोग कर सकते हैं ये। और एक बार है, और एक बात है कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो नन में आप क्लिक करो, ये गायब हो गया। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। और आपको फिर से चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पहले तो सपोज आपने टाइप किया लेकिन आपने बुलेट को सिलेक्ट नहीं किया, ऐसे आपने टाइप कर लिया और उसके बाद आपको फिर से क्या चाहिए, इसको बुलेट्स में लाना है, तो आप सिलेक्ट करो, आपको चारों का चारों ही बुलेट्स चाहिए, आप सिलेक्ट करो और फिर यहाँ पे क्लिक करो और जिसमें चाहिए आप ये चाहिए तो आप ये सिलेक्ट करो, आ गया बुलेट्स। ये बुलेट्स का गया। अभी नंबरिंग का दिखाते हैं। ठीक है, नंबरिंग का क्या है, आप यहाँ पे डाउन एरो पर क्लिक करो और कोई भी नंबर आप सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, नंबरिंग, यहाँ पे क्लिक करने से बहुत सारा स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने सपोज इसको सिलेक्ट किया, आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, ओके, तो देखो आ रहा है। ठीक है, मतलब मैं एंटर दे रहा हूं और लिस्टिंग आ रहा है। ओके, एंटर दे रहा हूं, लिस्टिंग आ रहा है, एंटर दिया, लिस्टिंग आया, लेकिन मुझे चाहिए नहीं योर लिस्ट, और एक बार एंटर कर देते है। ओके, तो ये आ गया। अभी आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको ये नंबरिंग पसंद नहीं है तो आप फिर डाउन, यदि नंबरिंग पसंद है तो आप छोड़ दो, लेकिन नई नंबरिंग पसंद है तो आप फिर सिलेक्ट करो, डाउन एरो में जाओ और इसको क्या करो, आप चेंजिंग क्या कर। ओके, ठीक है, हमको ये पसंद है तो मैं ये ले सकता हूँ। ओके, ठीक है, और मुझे यदि कोई लिस्ट ही नहीं चाहिए तो फिर आप क्या करो, नन में, हो गया। ये विषय इतना दूर गया। अभी और एक विषय है कि सपोज मैंने ये चीज को पहले ऐसे टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद अभी क्या चाहिए, मुझे बुलेट चाहिए टाइप करने के बाद। ठीक है ना, आगे जो दिखाया मैं टाइप कर रहा था और बुलेट आ रहा था, अभी क्या है, टाइप करने के बाद बुलेट चाहिए, आप क्या करो, फिर इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद क्या करो, इधर चले जाओ और जो चाहिए वो आप फिर से ले लो। ठीक है, तो आपको समझ में आया क्या सिखाया मैंने आपको, बुलेट का विषय में बोला और नंबरिंग के विषय में बोला। बुलेट में फिर मैंने दो चीज सिखाया कि आप कैसे बुलेट लिस्ट को कैसे आप बना सकते हो, उसके बाद फिर बुलेट लिस्ट को कैसे ला सकते हो। वैसे नंबरिंग में भी दिखाया मैंने कि बुलेट लिस्ट को कैसे बना सकते हो, फिर हमने क्या किया, बुलेट लिस्ट को कैसे नाम कर सकते हैं या फिर बदल। ठीक है, तो आपको विषय समझ में आया होगा नंबरिंग और बुलेट के विषय में। और एक चीज है ये वाला मल्टी लेवल लिस्ट, तो ये दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।